शैम्पू करने से ही सारे सफेद बाल जड़ से काले होना शुरू हो गए। नारियल का तेल और इसे मिक्स कर दीजिए इस रेमेडी के साथ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो को रेमेडी को देखिए और बहुत ही अच्छी तरह से ये आपके बालों को ना कवर अप करेगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें एक चम्मच नारियल का तेल इसके अंदर मिला दिया है और ये जो है हमारा जो रेडी हुआ है ये है चाय की पत्ती और कॉफ़ी का पानी। जी हाँ दोस्तों, ये चाय की पत्ती और कॉफ़ी का पानी है। और फ्रेंड्स, इसे किस तरह से अपने बालों पे लगाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही अच्छा और घरेलू नुस्खा है ये दोस्तों, जिससे आप जब भी शैम्पू करने जाते हैं तो अपने बालों पर जब आप शैम्पू करते हैं तो इस तरह से करिए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखिए कत्था ले लिया है। ये जो रेड वाली कत्था आती है दोस्तों, ये लेना है आपको, इस रेमेडी में मिक्स करना है। हमने यहाँ पे चाय की पत्ती का पानी और नारियल का तेल लिया है एक चम्मच, और उसमें आपको मिलाना है कत्था दोस्तों। और आपको लेना है इसके अंदर शैम्पू। शैम्पू आप कोई भी ब्रांड का ले लीजिए, जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं वही शैम्पू आप ले लीजिए। इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना। तो देखिए, हमने कत्था ले लिया है, अब हम इसमें शैम्पू ऐड करेंगे। इस तरह से आप जो भी ब्रांड का शैम्पू लेते हैं आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को कत्था पाउडर के साथ में आपको लेना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आपकी रेमेडी, बहुत ही अच्छी रेमेडी रेडी हो चुकी है। आप इसे बालों पर लगाइए। जो वाइट हेयर ट्रीटमेंट आप घर पे ही कर सकते हो, इसका सोल्यूशन बहुत ही यूनिक है। ये देखिए, इस तरह से आपका जब ये रेमेडी प्रिपेयर हो जाएगा, बालों को बहुत ही तेज़ी से काला, लंबा, घना और चमकदार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है दोस्तों। इसे क्या होता है ना, जब भी आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू इसी तरह से ना करिए, सिर्फ प्लेन शैम्पू आपको नहीं करना होता है। शैम्पू में इन सारी चीज़ों का अगर आपने यूज़ करना शुरू कर दिया तो ये सारी जो चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि वाइट हेयर की प्रॉब्लम, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। और देखिए, शैम्पू आपके आपके ना बाल बहुत अच्छे और सिल्की, शाइनी और चमकदार हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इस पेस्ट को, इस मिक्सचर को रेडी कर लेना है। और जब भी हम नहाने जाते हैं तो कोई भी आप ऐसे शैम्पू यूज़ करते हो तो शैम्पू को इस तरह से यूज़ करना शुरू करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ ही दिनों में आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे, काले, घने और बहुत ज़्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट हो जाएंगे। डैंडरफ की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। या फिर आपकी बहुत ज़्यादा स्कैल्प जो है, ईची स्कैल्प है, बहुत ज़्यादा खुजली आती है। गर्मियों के मौसम में वैसे तो बाल बहुत ज़्यादा खुजली आना शुरू हो जाती है। वैसे देखा जा रहा है कि आज के माहौल में ऐसा कंडीशन है कि लोगों के बाल दवाइयों का इंटेक करने की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो इस रेमेडी को आप करना शुरू कर दीजिए जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इससे क्या होगा, आपके जो हेयर है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम भी आ जाएगा और बाल जो है ना सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, इसे मैं यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, और आप लोगों के साथ में अपनी रेमेडीज़ को शेयर करते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे जो कत्था मिला है दोस्तों, ये कत्था हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही हमारे बालों को मैनेजेबल बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, सिल्की बनाते हैं और कलर करने के लिए बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कत्था। तो ये रेमेडी आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिएगा।